जलकल स्थित तो मल्टी लेवल पार्किंग में वाहनों को खड़ा करने के उद्देश्य से तथा गोलघर की सड़कों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए नगर निगम द्वारा लखनऊ की फर्म सेनेटरी सर्विसेज से अनुबंध किया है, जिसके संबंध में महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया कि नगर निगम के क्रेन के साथ साथ फर्म अपने क्रेनों से नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों को मल्टी लेवल पार्किंग में पहुंचाने का कार्य करेगी। इस दौरान सड़कों पर नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के चालान हेतु दो पहिया के लिए न्यूनतम धनराशि 300 रुपये तथा चार पहिया के लिए न्यूनतम धनराशि 1000 रुपये निर्धारित की गई है। इस दौरान महापौर सीताराम जायसवाल के साथ में नगर आयुक्त अविनाश सिंह, अपर नगर आयुक्त आरबी सिंह, एसपी ट्रैफिक इंदु प्रभा सिंह, परिवर्तन दल अधिकारी कर्नल सीपी सिंह, मुख्य अभियंता सुरेश चंद, उपनगर आयुक्त संजय शुक्ला, लेखाधिकारी अमरेश बहादुर पाल, नगर आयुक्त स्टोनो ब्रजेश तिवारी भी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, मल्टी लेवल पार्किंग शहर को जाम की समस्याओं को समाप्त करने के लिए बनाई गई है। मुख्यमंत्री जोगी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि जिसमें शहर में जाम की स्थिति न हो और लोग गाड़ियां पार्किंग में खड़ी करें। बहुत कम शुल्क नगर निगम ने रखा है, 25 रुपया शुल्क रखा गया है बड़ी गाड़ियों का और 20 रुपया रखा गया है मोटरसाइकिल का। ये पैसा शुल्क दे करके आप गाड़ी खड़ा कर सकते हैं और जाम से शहर की मुक्ति मिल सकती है। इस उद्देश्य को लेकर के मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई गई है। साथ ही नगर निगम ने आज एक कंपनी से समझौता किया है, सड़क पर जो गाड़ियां लगती है बड़ी गाड़ियां 4 व्हीलर, उससे 1000 रुपया जुर्माना कंपनी वसूल करेगी। साथ ही साथ मोटरसाइकिल 2 व्हीलर से 300 रुपया वसूलेगी, उसका कुछ हिस्सा नगर निगम को देगी। हमारा उद्देश्य कतई नहीं है जुर्माना लगा करके पैसा कमाना। हमारा उद्देश्य है कि लोग सिस्टमेटिक ढंग से पार्किंग में गाड़ियां खड़ी करें और भारी जुर्माने से बचें और गोरखपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। इस अपील के साथ नगर निगम अपील करता है यहाँ की जनता से, यहाँ के दुकानदारों से और शहर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से कि अपनी गाड़ी को जलकल परिसर के अंदर बनी मल्टी स्टोरी पार्किंग में लगाएं। आपकी गाड़ियाँ सुरक्षित रहेगी, किसी तरह का वहाँ कोई परेशानी नहीं होगा। इसलिए आज एक कंपनी से एग्रीमेंट हुआ है, ये आगे हमें उम्मीद है कि जाम से छुटकारा मिलेगा। इस एग्रीमेंट में हमारे नगर आयुक्त साहब, हमारे एसपी ट्रैफिक, हमारे अधिकारी सभी लोग उपस्थित रहे हैं और इस पर जल्द ही अमल शुरू हो जाएगा।